नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। केएसपी क्रिएशन इस बार लाया है याम करी। याम यानी सुरन। अभी आप लोग क्या बोलते हो या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसे इंग्लिश में याम कहते हैं और मराठी में सुरन कहते हैं। उसकी सब्जी कैसी बनती है देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 किलो सुरन, लगभग 250 ग्राम का। और उसे मैंने छिलका निकाल के कुकर में रखने के लिए बड़े बड़े ही कट करके लिए हैं। अब हम इसे रखेंगे कुकर में। आप चावल के ऊपर या दाल के ऊपर एक प्लेट में इसे रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। फिर इसको अच्छे तरह से पका लें। तो आप यह वीडियो पूरा देखना, बहुत ही सिंपल है। ये लो, अपनी सुरन पक गई। तो उसे अच्छी तरह से गरम रहते ही उसे मैश कर लो। मिक्सर में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कड़छी से अच्छे से मैश कर सकते हैं। फिर एक कढ़ाई ले, उसमें 2 चम्मच तेल डालें, कौन सा भी तेल आप ले सकते हैं। राई का तड़का, एक 1/2 टीस्पून डालें, लाल मिर्ची टुकड़े टुकड़े करके वो भी आप डाल सकते हैं, तीखा जितना आपको चाहिए वो ले सकते हैं। राई 1/2 टीस्पून डाल के तड़के के लिए उसको अच्छी तरह से तड़कने दे। जीरा डालना है 1/2 टीस्पून और उड़द दाल एक लगभग 1/2 चम्मच उड़द दाल डालना है। फिर आप कटे हुए चाहिए तो प्याज भी डालकर उसे ब्राउन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली जैसे हमने सुरन को मैश करके रखा था वो डाल के अच्छी तरह से मिला लें। हल्दी, हींग डालें, नमक स्वादानुसार डालें। कितना अच्छे से हो गया है देख लीजिएगा, ऐसा होना चाहिए। ये बन गई सुरन की सब्जी। गैस को ऑफ कर लें। को एक बाउल में निकाल लें। अब हमें क्या करना है, 1/2 कप दही उसमें डाल देना है। दही से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। बन गई आपकी सुरन की सब्जी। मैं चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ, सांभर डाल के। फिर उसको अच्छे से राइस को अच्छे से मिक्स करके ये साथ में ले सकते हैं, नहीं तो आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि हमें दूसरी वीडियो डालने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।